वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग इसे एक अनोखी शादी का नाम भी दे रहे हैं। आपको पूरा मामला बताते हैं, साथ साथ आप इन तस्वीरों पर एक नजर डालिए। ये पूरा मामला है बिहार के गया का, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू में एक अनोखी शादी देखने को मिली। दरअसल आईसीयू में भर्ती एक मां की इच्छा को पूरी करने के लिए बेटी ने अस्पताल में ही शादी की, जिसके 2 घंटे बाद ही उसकी मां का निधन हो गया। जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसमें बताया जा रहा है कि युवती की शादी तय हो गई थी, इस बीच उसकी मां की तबीयत खराब हो गई और वह अस्पताल में भर्ती हो गई। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को बता दिया था कि अब वह इन्हें बचाना मुश्किल है। वैसे युवती का 26 दिसंबर को एंगेजमेंट होना था, लेकिन मां की अंतिम इच्छा को देखते हुए उसके परिवार ने 25 दिसंबर को ही शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग बेटी को सलाम भी कर रहे हैं। आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप भी डालिए इस वायरल हो रही वीडियो पर एक नज़र।